नमस्ते बच्चों बच्चों, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? जरूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि कहानियाँ सुनना और पढ़ना तो सबको अच्छा लगता है। और यदि कहानियाँ चित्र के साथ हो तो और अच्छी लगती है। ऐसी कहानियाँ जो चित्रों के द्वारा बताया जाए उसे हम चित्रकथा कहते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक चित्रकथा दी गई है जिसका नाम है शरारती घड़ियाल। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख रहे हैं ये चित्र? इन्हें देखकर हमें कहानी बनानी है, तो चलिए कहानी बनाते भी हैं और कहानी सुनते भी हैं। बच्चों, एक नदी में, आप ये जो नदी देख रहे हैं, इस नदी में एक घड़ियाल रहता था। घड़ियाल एक मगरमच्छ के जैसा पानी में रहने वाला जानवर है, जिसका मुंह मगरमच्छ से थोड़ा लंबा होता है। तो इस नदी में एक घड़ियाल रहा करता था, और वह घड़ियाल बहुत शरारती था, सभी को परेशान करता था। जो इस नदी पे रहने वाली छोटी छोटी मछलियाँ, आप ये छोटी छोटी मछलियाँ देख रहे हैं, इन्हें पकड़कर खा जाया करता था और उन्हें परेशान भी करता था। तो एक दिन सभी छोटी मछलियाँ सब एक जगह इकट्ठा होती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे कि घड़ियाल उन्हें परेशान ना करे। तो सब जितने भी छोटी मछलियां हैं सब एक जगह इकट्ठा होती है और सब मिलकर एक उपाय सोचती है। तो सभी छोटी मछलियां एक बड़ी मछली, जितनी भी छोटी मछलियां थी वो एक बड़ी मछली का आकार बनाकर तैरने लगती है, तैरने लगती है। जब घड़ियाल आता है तो उन्हें जो छोटी मछलियां बड़ी मछली का आकार बना के तैरती है उन्हें देखकर कहता है, ओहो इतनी बड़ी मछली, और उन्हें आता देखकर भाग जाता है। तो बच्चों बताओ, आपने जो ये छोटी सी कहानी सुनी उससे आपने क्या सीखा? जी हाँ, हमने यह सीखा कि एकता का बल होता है। हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि एकता बल होता है, अर्थात यदि हम मिलजुल कर कार्य करें तो किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।